हेलो दोस्तों दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हमारे पास Realme 2, तो चलिए एक बार एवर फोन आप देख लीजिएगा। तो मेरे पास ये लगभग 1.5 से 2 साल पुराना फोन हो चुका है, तो आज इसमें करने वाले हैं फ्री फायर टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्री फायर की वीडियो देखना पसंद करते हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए फ्री फायर की वीडियो लेकर आता रहूँगा। क्योंकि मैं मोस्टली पबजी की वीडियो लाता हूँ, पबजी टेस्ट और पबजी लाइट ही करता रहता हूँ, तो आपके लिए फ्री फायर भी लेकर आता रहूँगा। अगर आप फ्री फायर की वीडियो देखना पसंद करते हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फ्री फायर हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे फोन कैसी परफॉर्मेंस कर देता है अगर आप इसमें फ्री फायर खेलना चाहते हो। अब बात करते हैं मेरे पास से कौन सा वेरिएंट का फ़ोन है जो मेरे हाथ में है। तो मेरे पास है 3 GB रैम, वहीं 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। तो चलिए फ्री फायर हमारा ओपन होने ही वाला है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे, उसके बाद में इसका आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। चलिए एक छोटा सा अपडेट है, इसे कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए अपडेट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। चलिए फ्री फायर ओपन होने ही वाला है। दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की। तो इस फ़ोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है और काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन इस प्रोसेसर में आप पबजी फ्री फायर और पबजी लाइट जैसी गेमिंग काफ़ी अच्छे से कर लेते हो, पबजी तक भी खेल सकते हो, लेकिन उतना अच्छा पबजी इसमें नहीं चल पाएगा। चलिए फ्री फायर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको इसमें ग्राफिक्स दिखाने वाला हूँ मैं, ग्राफिक्स कौन कौन से सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। तो इस फ़ोन का प्राइस अभी आपको फ्लिपकार्ट पर 10,000 रुपये शो हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा 10,000 रुपये में अगर आप इसे नया खरीदना चाहते हो तो मत खरीदना, क्योंकि 10,000 रुपये में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन और भी मिल जाते हैं। ऐसे फ़ोन ही बेकार नहीं है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप इसे नॉर्मली गेमिंग वीडियो गेमिंग से अलग आप वीडियो देखने के लिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा कॉलिंग के लिए यूज़ करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत इस फ़ोन में नहीं होने वाली, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का, आज भी लगभग 1.5 से 2 साल बाद भी काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है। तो चलिए ग्राफिक्स में आप स्मूथ, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा, अल्ट्रा में आप हाई, वेरी हाई कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। चलिए ये इसकी ग्राफिक्स सेटिंग्स है, इसी ग्राफिक्स पे एक मैच हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं कैसी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। तो चलिए गेम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम मैच स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाले हैं। हालांकि फ्री फायर हम पहली बार ही आज फ़ोन में इंस्टॉल किया है इसमें, तो फ्री फायर आपको दिखाने वाले हैं। फ्री फायर आज भी हमने भी आज पहली बार इंस्टॉल किया है, तो इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है, लेकिन गेम प्ले आपको दिखाने वाले हैं थोड़ा बहुत। आगे पीछे दौड़ा कर सिर्फ आपको फ़ोन की परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, फ़ोन की बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास में रियलमी 2 है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों कमेंट में ये बताएं, फ्री फायर खेलते हो या पबजी खेलते हो, पबजी मोबाइल लाइट खेलते हो, तो आप जिस भी गेम की वीडियो देखना पसंद करते हो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसी गेम के लिए वीडियो आपके लिए बनाकर ले आऊँगा, ताकि आपको वीडियो वही दे पाऊँ जो आप देखना पसंद करते हो। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों बात करें फ़ोन की परफॉर्मेंस, तो फ्री फायर काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो मैं इधर उधर घूम के देख रहा हूँ, तो अभी तक कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिल रही, काफ़ी अच्छे से फ्री फायर को हैंडल कर रहा है रियलमी 2। दोस्तों आपके पास में कौन सा फ़ोन है जिसमें आप फ्री फायर या पबजी मोबाइल लाइट खेलते हो, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि उस फ़ोन में पबजी कैसे चल जाता है या फ्री फायर कैसे चल जाता है। दोस्तों अगर आप किसी फ़ोन में जानना चाहते हो कि उस फ़ोन में फ्री फायर, पबजी या पबजी लाइट कैसे चलेगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट पर वीडियो बना दूँ, वरना कमेंट के रिप्लाई तो मैं ज़रूर